हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेकर आ गई हूँ नेट जेआरएफ के लिए, कॉमर्स के लिए कंप्लीट बिजनेस एनवायरनमेंट रिवीजन इन वन क्लास। सो मेरी तरफ से एक ही क्लास में रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। और फ्रेंड्स, ये गुड न्यूज़ आपके लिए है। और रोज़ अब जो टाइमिंग होगा रात वाली क्लास का, वो 8 बजे होगा, 8 PM, ठीक है। सो आर वी रेडी फॉर द क्लास? जल्दी से जुड़ जाइए सो दैट वी विल स्टार्ट। अगर आप नव क्लासेस पे न्यू हैं, देन सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम टू टाइम। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम में ज्वाइन रहे, क्योंकि टेलीग्राम में सबसे पहले मैं लिंक भेजती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज रात को हमारी फ्री स्पेशल क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। सो अनलॉक करने के लिए नव क्लासेस कोड आप लगाइए, जिससे आप फ्री क्लास को देख पाएंगे। डिस्क्रिप्शन वाले डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है। एंड फ्रेंड्स, अनअकैडमी ने एक और सूचना जारी कर दी है, वो ये कि 3 मंथ वाला या 1 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन की प्राइस हाइक होने वाले हैं। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश करने वाले थे तो, अरे हाँ, ये तो बिल्कुल पूरा फुल कराने वाली हूँ मैं, तो फिर आप अभी ले लीजिए ताकि ये जो प्राइस हाइक है इससे आप बच सके। और वैसे भी पेपर आ गया और मेरे एक्सपेक्टेड MCQ चल रहा है। एक ही कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स भी देखने को मिल जाएगा, पेपर वन भी देखने को मिल जाएगा, पेपर टू कॉमर्स भी देखने को मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड MCQs भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नव क्लासेस कोर्स से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इस टाइप से प्रोसीड टू पे करते हैं टाइप करके, ठीक है। सो और फ्रेंड्स, अपने जो प्रिपरेशन है उसको 100% की तैयारी करने के लिए आप बहुत ही कम अमाउंट में सिंपल से तरीके से मेरी बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और इसकी डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। ऑल ओवर साइट से, अलग अलग जगह से ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि अगर आप लेना चाहते हो, लिमिटेड स्टॉक है वैसे भी, तो क्वेश्चन बैंक को अपना साथी जरूर बना लीजिए। 2004 से लेकर 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसमें, एंड विद एक्सप्लेनेशन जो डिफिकल्ट पोर्शन है, ठीक है, उनके लिए, एंड न्यू टॉपिक्स के लिए, एंड एक्सपेक्टेड MCQs भी इसमें दिए हुए हैं, ऑल ऑथेंटिक ऑफिशियल आंसर्स, ठीक है जी। एंड ऑल्सो कॉमर्स की कंप्लीट कंसेप्ट विद चार्ट्स एंड क्वेश्चन बैंक वाली जो बुक है, इसके थ्रू आपको मैं पढ़ा रही हूँ ये जो अभी मेरी क्लास है, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो बेस्ट तरीका ये है कि इसी बुक के अंदर कंसेप्ट भी मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और एक्सपेक्टेड MCQs मेरे बनाए हुए 100% लेवल के मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सर्च करोगे ना नवदीप NTA बुक तो मिल जाएगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है जी। सो फ्रेंड्स, ये रहा अपना चैनल, भूल के भी इसको मिस नहीं करना, क्योंकि नव क्लासेस चैनल पे ही सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन है मैं देती हूँ, प्लस आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। नव क्लासेस सर्च कीजिए, टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए। अब बचे हैं 5 दिन 30 दिन 5 दिन, मेक श्योर अच्छे से यूटिलाइज करो हमें ये समय, डरना नहीं, हालांकि मैं डरा रही हूँ, जीना है, वी हैव टू लिव दिस अमाउंट। इसलिए मैं रोज क्लास लेके आ गई हूँ और कंप्लीट एक ही क्लास में करवा दूंगी, ठीक है। आई वी रेडी फॉर द क्लास? चलो स्टार्ट हो जाओ फिर। तो मैं आपको कह रही हूँ कि मैं डेली यूनिट वाइज करा रही हूँ, ठीक है। तो जिनके पास भी बुक है तो वो अपनी बुक को भी साथ में रख के पढ़ाई कर सकते हैं, नोट्स तो आपके पास है ही, जिनके पास नहीं है तो भाई इसको मत छोड़ो, दिस इज द मेन जरिया टू गेट JRF। अभी के साथ साथ जब आप पढ़ाओगे ना बच्चों को, तब भी कोई कंसेप्ट को फटाफट देखना हो, टीचिंग की लाइन में भी आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। अगर आपको अमेजोन पे बाइंग वाला ऑप्शन नहीं दिखता तो सी ऑल बाइंग ऑप्शन लिखा हुआ उस पर क्लिक करोगे तो बाय वाला ऑप्शन दिख जाएगा जी। सो अब देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज है? बिजनेस एनवायरनमेंट में एक पेज नंबर 2 पे आ जाओ सीधा, ठीक है। कंसेप्ट वहां पर गिवन है, उसमें हम पढ़ रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे पास क्वेश्चन आता है, फाइंड करो इनमें से कौन सा एक्सटर्नल है, कौन सा इंटरनल एनवायरनमेंट है। इसलिए आपके साथ इस चार्ट फॉर्म में पूरी बुक लिखी हुई है, तो पूरे चार्ट से आ जाएगा कि माइक्रो लेवल पे आते हैं हमारे बिल्कुल ही ज्यादा वाले इंटरनल, तो सप्लायर, कस्टमर, हमारे इम्प्लॉइज, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स, ये सब। लेकिन कई बारी ये जो मैक्रो वाला हिस्सा है, ये जो है ना हमारा पोर्शन, यहाँ समझाती हूँ। एक तो होता है बहुत ही ज्यादा इंटरनल वाला हिस्सा, ये मैंने बुक में भी मेंशन कर रखा है, ये जो इंटरनल वाला हिस्सा इसमें आते हैं कि आपके प्लान, ह्यूमन रिसोर्स, कॉर्पोरेट की इमेज, प्लांट, लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के विद इन वाला,
लेकिन कई बारी हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं उसके नीचे आपका माइक्रो और मैक्रो में इसको माइक्रो कंसिडर कर लेता है. एक्चुअली ये एक्सटर्नल है लेकिन फिर भी इसको माइक्रो कंसिडर कर लेता है. एज पर ऑप्शन आपको दिख जाएगा कि इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम इनको माइक्रो कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो सप्लायर, कस्टमर, मार्केटिंग, कॉम्पिटिटर एंड पब्लिक. देन हमारे पास आते हैं मैक्रो लेवल वाले, एक्सटर्नल वाले, जिसके अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल है. इसको याद करने की ट्रिक बुक में दी हुई है, तो जो बुक वाले बच्चे हैं उनके पास होगी, है ना. बहुत इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्या है जी. सो ये वो एनवायरनमेंट है जिसके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं. पॉलिटिकल यानी कि यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट एंड ऑल, इकोनॉमिक, सोशल एक दूसरे से रिलेशन मेंटेन करने वाला, लीगल, एनवायरनमेंट एंड ऑल. कमाल कर दिया तुमने रुकैया, चलो बहुत बढ़िया. सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं. आगे आपका आ जाता है फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है एंड मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा दी जाती है. ठीक है, सो गवर्नमेंट यूज करती है टैक्स रिवेन्यू को, जैसे कि आपके लिए रोड बनवाना, ठीक है, कोई भी चीज बनवाना, आपको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना. सो ये सारी चीजें फिस्कल पॉलिसी से, जो टैक्स से पैसा आता है वहीं से यूज होती है. आपको सब्सिडीज देना, टैक्स से पैसा जो आता है उसी के द्वारा होता है. तो फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है. ठीक है, और जो हम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट खर्चा करती है, वो सारी चीजें फिस्कल पॉलिसी में आती है. एंड देन मॉनिटरी पॉलिसी में क्या आएगा? मॉनिटरी पॉलिसी में आता है कि जो सेंट्रल बैंक आपके बैंक रेट चेंज कर देते हैं. ठीक है, सो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेजर्स लेते हैं. अब सेंट्रल बैंक के जो मेजर्स है वो सारे बहुत डिटेल में मैंने बुक में बैंकिंग वाली यूनिट में डाले हुए हैं. ठीक है, तो वहाँ बैंकिंग वाले से आप इजीली समझ लेंगे इसी के अंदर. बाई मंथली इंडिया में पॉलिसी बनती है, उसके बेसिस पे सारे रेट शफल होते हैं, उसको बोलते हैं मॉनिटरी पॉलिसी. सो फ्रेंड्स, एक चीज और है इसी पेज के साथ, ये पेज नंबर 1 पे आपको सप्लीमेंट का जो लिंक दिया, जिनके पास बुक है तो उस सप्लीमेंट में मैंने कुछ एडिशनल नोट्स डाले हैं, वो है ये वाला. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप उस सप्लीमेंट को भी एनरोल कर लो कुडोज लर्निंग ऐप में जाके, जिनके पास ये बुक है, और उसके अंदर ये कोड लगाओगे ना, सीक्रेट प्रोमो कोड वाला. अब यहाँ लिखने में बैठ जाना, सीक्रेट है वो. हाँ, तो उस कोड को कुडोज लर्निंग में लगाओगे तो आपको ये नोट्स एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे. अपडेट करती रहती हूँ थोड़े टाइम में. सो फ्रेंड्स, लेट्स सी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल. फिस्कल के ऑब्जेक्टिव क्या है? कि मेंटेन करना है फुल एम्प्लॉयमेंट को, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है जी. प्राइस लेवल को जनरेट करना है. कुडोज लर्निंग ऐप में एक सप्लीमेंट दिखाई दे रहा होगा इस बुक का, जो 900 रुपए का है, लेकिन आपको पैसे नहीं देने. उसमें ऐड के ऑप्शन में जाके, बाय के ऑप्शन में जाके, जब ये वाला कोड लगाने का ऑप्शन आएगा, कोड लगाना, फ्री में मिल जाता है वो, ऐसा. ठीक है, फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया. इंडिया ऑलवेज हैज टू ऑब्जेक्टिव, इंप्रूविंग द ग्रोथ एंड इंश्योरिंग सोशल जस्टिस. कि हमें ग्रोथ को इम्प्रूव करना है और सोशल जस्टिस को इम्प्रूव करना है. इसके लिए जो हमारे इंडिया की फिस्कल पॉलिसी होती है वो तीन भागों में बटी हुई है. पहला पार्ट कंसोलिडेटेड फंड, फिर कंटिंजेंसी फंड, फिर पब्लिक अकाउंट. कंसोलिडेटेड फंड इनफ्लो जो जितना भी आता है ना टैक्स का और नॉन टैक्स रिवेन्यू, वो सारा गवर्नमेंट को दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड में. ठीक है, हाँ जी, कैसे एनरोल करूँ सप्लीमेंट बुक में? नैन्सी, तुम्हें ईमेल तुमने कर दी है ना, प्लीज 24 आवर्स वेट किया करो. अगर आपका बाई चांस नहीं हो पा रहा तो मेरे को ईमेल कर देना, तो फिर 24 घंटे वेट किया करो ताकि मैं उसमें दे पाऊँ. बस जब टाइम मिलेगा मैं तभी आपको दूंगी, नहीं तो आप अपने आप भी कर सकते हो. सप्लीमेंट वाले को खोलना, उसमें एड पे करके क्लिक करके, हाँ, उसमें ये वाला बाय पे क्लिक करके, फिर प्रोमो कोड आएगा. पैसे नहीं देने, प्रोमो कोड टाइप करना है, फिर हो जाएगा. पब्लिक अकाउंट और कंटिंजेंसी फंड को समझते हैं. कंटिंजेंसी फंड सैंक्शन किए जाते हैं बजट के लिए, कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर ऑफ अनफोर्सिन नेचर. एकदम से कुछ अलग सा हो गया तो उसकी वजह से अगर हमें कहीं खर्चा करना पड़ गया गवर्नमेंट को, तो उसको कंटिंजेंसी फंड बोलते हैं.
एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये आर्टिकल 266(2) में बनाया गया था इंडिया के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये डील करता है कि पैसा गवर्नमेंट के द्वारा कितना मिला स्टेट प्रोविडेंट फंड से, प्री डिपॉजिट्स। सो फ्रेंड्स, ये वाला पैसा गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कहीं खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि ये पब्लिक का अकाउंट है, ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है। जो आपने प्रोविडेंट फंड आपने या आपके एम्प्लॉयर ने कहीं किसी ने भी प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा किया, जो गवर्नमेंट आपके रिटायरमेंट में या किसी भी बेनिफिट से आपको देगी, तो इसलिए ये वो वाला पैसा होता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ तो आ गया पूरा फंड गवर्नमेंट को कहाँ से रिवेन्यू आएगा, वो फिर आपके ही ऊपर खर्च करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे। ये कंटिंजेंसी फंड होता है, आकस्मिक एकदम से कुछ हो गया सडनली, उसके ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करेगी। एंड पब्लिक अकाउंट वो होता है जो पब्लिक का ही पैसा है, उनको कभी ना कभी वापिस करना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ आगे जाकर कि ईज ऑफ बिजनेस वगैरह। सो ये मैंने आगे कहीं ना कहीं दिया होगा कि बजट जो आया था 2021 वाला, उसके आसपास ये मेंशन होगा, तो इसको समझ लेते हैं। हमारे इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रेटिंग है, रैंकिंग है, वो कितना आ गया है। हमारा मार्क्स आए हैं 71 एंड हमारी रैंकिंग में हम 63 रैंकिंग में आ चुके हैं, तो ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। हाँ, जैसे एकदम से कोविड आ गया, हमें खर्च करना पड़ा वो। सो फ्रेंड्स, उसके बाद बुक में दिया हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पहले हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट आ गया, करा दूं आज, कल कराना था वैसे, करा देते हैं। सो फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट एंड मिक्स इकोनॉमी, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा ज्यादा बड़ा, फटाफट रिवाइज हो जाएगा इससे। ट्रेडिशनल इकोनॉमी वैसी इकोनॉमी होती थी जहाँ पे बार्टर सिस्टम किया जाता था, ठीक है, एक दूसरे से बार्टर करते थे। एक मैंने गेहूं उगाया, किसी ने चावल उगाया, हमने एक दूसरे को दे दिया, तो इस टाइप की इकोनॉमी हुआ करती थी। हाँ जी, सो प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, यहाँ पर मेन ओनरशिप स्टेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट की होती है, जैसे कि चाइना एंड ऑल। सो यहाँ पर प्लान्ड गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन क्या करेगा क्या नहीं, उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। एंड देन कुछ आती है फ्री मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक है, तो इसको कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं, इसको कम्युनिटी भी बोलते हैं। तो फ्री मार्केट में गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है, यहाँ पे पब्लिक सबसे आपस में एक दूसरे के साथ ही डील करते हैं, उनको बोलते हैं कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रेंड, ये वाली क्लास का टाइम मैंने 8 बजे कर दिया, क्योंकि मेरी प्लस क्लास होती है 7 बजे, ठीक, खत्म, तो 1 घंटा मिल जाता है। और आजकल मम्मी कह रहे कि जल्दी खाना खाना है, तो मैं खाना खा के आई हूँ, ठीक है, तो 8 बजे। सो फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर यहाँ पे सारा रोल प्राइवेट सेक्टर होता है। फ्री मार्केट रिसोर्सेज के लिए हम छोड़ देते हैं, जैसे कि यूएस इज एग्जाम्पल, आ जाते हैं मिक्स इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी में क्या आता है, मिक्स इकोनॉमी में दोनों आ जाते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर भी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया में हम दोनों ही मिलकर गवर्न करते हैं, तो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही आ जाते हैं। गवर्नमेंट लॉ बनाती है बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, और कुछ कुछ हद तक उनको छूट दी जाती है। हाँ, अभी आ गया ना वो पेज नंबर 2 पे ही है, ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पुराना वाला जो है वो तो था आपका 1986, और नया वाला जो एक्ट है वो है 2019। इसको कॉपरा भी बोल देते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म के रूप में, ठीक है। सो एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बाकी तो फुल आप बुक में से देख ही लोगे, या प्लस वाले तो उनको पता ही होगा, मैं कंसेप्ट क्रक्स बता देती हूँ। पुराना वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, ये इतना पुराना था कि इसमें ऑनलाइन ई कॉमर्स इंक्लूड किया ही नहीं गया था, तो इस वजह से नया वाले को डाला गया, ठीक है। अब पुराने वाले में गुड्स एंड सर्विसेज, और नए वाले में भी वही वाली गुड्स एंड सर्विसेज आती है, जिसके बदले में हम लोगों को कंसिडरेशन देना होता है या कंसिडरेशन लेना होता है, मतलब पैसों के बदले में। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको सिर्फ फ्री गिफ्ट दे दिया, आपने उसको क्लेम कर दिया, भाई गिफ्ट में वो नहीं निकला जो आपने कहा था, कंसिडरेशन होना जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ फ्री एंड पर्सनल सर्विसेज को इन एक्सक्लूड किया हुआ, यानी कि ये इंक्लूड नहीं है।
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन पहले बहुत ही छोटी थी, नैरो थी, अब उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और ज्यादा एडिशंस किए गए। यहाँ पर क्या हुआ, 6 टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, कुछ गलत दिखा रहे हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो वो सब आ गया आपका क्या, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। लेकिन अब नए वाले में ये बोला गया कि अगर आपने बिल भी नहीं बनाया, कोई प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो उसका बिल भी नहीं बनाया, तब भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आ सकते हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो 5000 रुपीज से ज्यादा की है उसका बिल लेना और देना जरूरी है। फिर अगर कोई बुक, कोई भी चीज है, रिटर्न पॉलिसी अगर आपने पहले से सेटल डाउन नहीं करी, फॉर एग्जांपल अगर आप अमेज़न से कोई चीज लेते हो तो उसमें लिखा होता है ना कि 10 डेज रिटर्न पॉलिसी या 7 डेज या 3 डेज, व्हाटएवर, अगर ऐसा पहले से तय नहीं है, जैसे मेरी वेबसाइट पे लिखा होता है कि नो रिटर्न पॉलिसी, तो फिर अगर इफ नथिंग इज मेंशन देन 30 डेज के अंदर अंदर अगर आपने गुड को रिटर्न करने को मना कर दिया तो भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा सकते हो। ठीक है, एंड कॉन्टेस्ट, लॉटरी, ये सब जो होता है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं आता। जो चीज लॉटरी निकली, फ्री फंड में आ गया, कॉन्टेस्ट जीत लिया, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में नहीं आता। फिर प्रोडक्ट लायबिलिटी, पहले वाले में प्रोडक्ट लायबिलिटी का कोई प्रोविजन नहीं था। जो न्यू एक्ट बना है 2019, इसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी का प्रोविजन बना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर इस प्रोडक्ट में कोई लायबिलिटी निकलेगी, यानी कि इसके खिलाफ अगर कंप्लेन करनी पड़ेगी तो हम किसके खिलाफ करेंगे। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी हम मैन्युफैक्चरर के खिलाफ कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ कर सकते हैं, या फिर सेलर के खिलाफ कर सकते हैं। अगर आपने कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने ब्रांडेड वॉच लिया, इसमें कोई दिक्कत है, ये खराबी है, ये एकदम से करंट मारती है, तो मैं किसको क्लेम करूंगी, मैं सीधा इस वॉच के कस्टमर आईडी पे करूंगी या फिर अमेज़न वालों को। अब एकदम से करंट मार रही है, अगर वारंटी पीरियड में हम तो यार तब वो हम रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो फिर ये मैन्युफैक्चरर को क्लेम जाएगा। ठीक है, कई बारी अगर आपने एक प्रोडक्ट लिया किसी दुकान से, उस दुकान वाले ने झूठ बोला, उस दुकान वाले ने धोखा किया, तो सेलर के पास जाएंगे हम। ठीक है, अगर कोई सर्विस दे रहा है सैलून में या कहीं भी, जैसे मैं सर्विस दे रही हूँ, तो तब हम सर्विस प्रोवाइडर को देंगे, क्लेम करेंगे। अभी बात समझ आ गई, एज पर सिचुएशन वी कैन क्लेम एनीवन। देन कंपनसेशन जो ऑब्टेन किया जाएगा वो कंडीशंस के हिसाब से किया जा सकता है। सो पिक्यूनरी जरिडिक्शंस, पिक्यूनरी का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड। ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले जो पॉइंट्स थे पिक्यूनरी के अंदर, तो पेज नंबर अपन आ जाते हैं आगे, और भी बहुत कुछ है, हम सीधा मेन मेन पॉइंट, इसके अलावा बुक में बहुत कुछ ज्यादा दिया हुआ है, उसको भी देख लेना। तो मैं एक आईडी दे रही हूँ जो डिफिकल्ट है, न्यू पोर्शन है, उसका आईडी दे रही हूँ सेल्फ के लिए भी। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 20 लाख, 20 से 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा वाला हो गया। और 2019 में ये जो पिक्यूनरी पैसों की लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया और अब कर दिया 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ अबव। तो 1 करोड़ वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट जो स्टेट ट्रिब्यूनल है वहां पर आ जाएगा 1 से 10, एंड 10 करोड़ से अबव वाले अब आ जाएंगे फिर नेशनल लेवल पे। ठीक है, हम इसके क्या मतलब है, ये मतलब ये है कि अगर मैंने, मान लीजिए, अब ये मत करना मैं वॉच की एडवर्टीजमेंट करूँ, कुछ और बोल देती हूँ, मान लीजिए आपने ये बुक खरीदी, ठीक है, और ये बुक अगर 450 के आसपास है, 500 के आसपास है, जितनी भी है, तो इतने से इतने रेंज करती है, तो हमें अगर इसके खिलाफ क्लेम करना होगा तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जा सकते, क्योंकि ये 1 करोड़ से कम की है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, अगर हमने कोई बहुत बड़ा बंगलो खरीदा और अगर वो चीज, वैसे तो प्रॉपर्टी एक्ट में आ जाएगा, हम गुड्स की बात कर रहे हैं, कोई चीज खरीदी, गुड्स अगर 1 करोड़ से ज्यादा की है तो फिर वो इसमें आ जाएगी स्टेट में। ठीक है, बात समझ गए, यस। इसका मतलब ये है कि हमारी जो चीज है वो कितने मिला, कितने की है। कंपोजिशन ऑफ कमीशन, अब इसमें जो कमीशन होंगी वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल की हुआ करती थी, और इसमें इनका जो ओहदा है वो जज के बराबर हुआ करता था, वो मेंशन है। लेकिन अब ऐसा कंपलसरी नहीं है, अब डिस्ट्रिक्ट वाले पर्सन जो होते हैं उसमें ये वाले लाइन हटा दी गई है कि उनको जज के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा स्टार्टिंग से देख रही थी, अच्छा ठीक है। सो फ्रेंड्स, हेडेड बाय प्रेसिडेंट एट एटलीस्ट 2 मेंबर्स, मतलब प्रेसिडेंट किसके,
प्रेसिडेंट यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो प्रेसिडेंट होंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो प्रेसिडेंट होंगे वो, ठीक है, और उनके अंदर दो मेंबर और होंगे। फिर ऐसे ही स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट और उसके अंदर चार मेंबर होंगे। अब नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट, उनके अंदर चार मेंबर होंगे। तो यार यहाँ पर पहले जो ट्रिक बन गई हमारी, कमाल कर दिया आपने। यहाँ पे ट्रिक बन गई कितनी, 2-2-4, और यहाँ पे कितनी ट्रिक बन गई, 2-4-4। और ये पेपर में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है, पूछता है 2-4-4 या 2-2-2, तो कितने मेंबर अंदर होने चाहिए, ये आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। अपॉइंटमेंट, पहले अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटी किया करती थी, अब जो अपॉइंटमेंट है सिलेक्शन कमेटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब कौन करेगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी नोटिफिकेशन के थ्रू, अब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। हाँ जी, वन वुमेन मेंबर कंपलसरी है, बिल्कुल, एक वुमेन मेंबर पहले भी थे, अभी भी है, यस, वो दोनों में है। पहले अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का कोई प्रावधान नहीं था, अब नए वाले में आ गया है, ठीक है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए। पेनाल्टीज, पेनाल्टी पहले कुछ भी नहीं थी, बंदा ऐसे पेनाल्टी दे खत्म गाम, 2,000 से 10,000 रुपए तक की, ठीक है, और उसको सजा भी हो सकती थी 1 महीने से 3 महीने की, 3 साल की। अब क्या हुआ, अब पेनल्टी को बढ़ा के 25,000 से 1,00,000 रुपीज कर दिया गया है। सजा को भी यहाँ पर सेम रखा गया है, 3 साल तक का हो सकती है, समझे जी। हाँ जी, सो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बता दिया ना, साथ में नोट कर लो फिर, वो चीज है उसमें विमेन का भी। सो उसके अलावा और भी बहुत कुछ है, फिर बाकी आप वहां से रेफर कर लेना, क्लास में भी बताया हुआ है आपको। फिर आते हैं हम उसके अलावा और क्या डिस्कशंस करनी है। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वो सीपीओ का लिखा होगा, है ना, तो वो मैम अपॉइंट करने के लिए भी कहा गया है, अपॉइंटमेंट्स भी देख लेना वहां से। अब हम आ जाते हैं आगे, जिधर आपको बड़ी दिक्कत है कि ये पता नहीं कैसे करना है, पेज नंबर 15 वाला हिस्सा। सो फ्रेंड्स, उसके अंदर ये अपडेट आए, क्योंकि आपको पता है कि मॉनेटरी यूनियंस है और ये कुछ चेंजेस होते रहते हैं इनके नंबर्स में, ठीक है। तो अभी अभी रिसेंटली है स्मृति, वेरी गुड, होगा, ध्यान से पढ़ो, क्यों नहीं होगा। अच्छा, सो फ्रेंड्स, इसके अंदर EMU या फिर अलादी, ये जो है इनके मेंबर में चेंजेस हो गए हैं। अब इनके मेंबर 19 हो गए हैं और इनके मेंबर 12 थे पहले, 13 हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्टैटिक नहीं होती, करंट रहती हैं, इसलिए ऐसे कोई भी चेंजेस आगे जाके होते रहते हैं तो मैं सप्लीमेंट में दे देती हूँ, ये मैंने सप्लीमेंट में लिख दिया था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यार, आज नहीं तो कल एक मेंबर ऐड हो गया तो क्या कर रहोगे, तो मैं इसमें डाल देती हूँ सिंपल, तो वहां से अपडेट मिल जाएगी आपको, तो इस वजह से आपकी बुक आउटडेटेड नहीं रहेगी, अपडेटेड रहेगी। तो इसलिए आप सप्लीमेंट को डाउनलोड कर लेना। अब आते हैं आगे, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या चीज है। हाँ जी, नैन से तुम्हें पिटाई लगेगी, प्रोमो कोड सबको क्या बताओगी तुम, दूसरा प्रोमो कोड है कोई, तुम चुपचाप बैठ जाओ यहां पर, तुम्हें बाद में दे दूंगी, बुक के अंदर लिखा हुआ है, यहां मत लिखना, वो सिर्फ बुक है जिसके पास उसको मिलेगी। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है, इसके अंदर आ गया ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ट्रेडिंग ब्लॉक क्या है, ये किस पे, किस पर है, मुझे नहीं मिल रहा था, जिसको सप्लीमेंट डाउनलोड नहीं करना आ रहा तो वो मेरे को ईमेल कर देना, मैं 24 घंटे के आसपास तक आपको ईमेल उसको प्रोवाइड करा दूंगी, कुडोज ई लर्निंग ऐप में अकाउंट बना के करना ईमेल, ठीक है। हाँ, अब इधर ध्यान दो, ट्रेडिंग ब्लॉक पेज नंबर 21 पे दिया हुआ है, वैसे जिधर QR कोड दिए ना 3, उधर उसके ऊपर। ट्रेडिंग ब्लॉक क्या होता है, ट्रेडिंग ब्लॉक होता है ट्रेड लिबरलाइजेशन, ठीक है। ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या होता है, इसका मतलब कि फ्री ट्रेड एरियाज बना देने, सो ट्रेड को फ्री कर देना। ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक होते हैं, ये होते हैं फ्री ट्रेड एरिया, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, या फिर दूसरे इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी ट्रेड एरियाज, इस टाइप के ट्रेड एरियाज होते हैं। सो इसमें, इन ब्लॉक्स में हम आगे पढ़ेंगे कैसे करना है, पहले मैं आपको बेसिक क्लियर कर दूँ। बेसिक क्या है, ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन, ठीक है। सो ट्रेड क्रिएशन का क्या मतलब है, ट्रेड क्रिएशन का मतलब होता है कि
अगर मान लीजिए ये किस में लागू होगा, ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन, ओनली फ्री ट्रेड एरिया में लागू होगा, किसी और में लागू नहीं होगा, ठीक है, ओनली फ्री ट्रेड एरिया में लागू होगा। तो फ्री ट्रेड एरिया में मान लीजिए एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, ठीक है, तो पहले इन दोनों में क्या था, महंगा हो रहा था एक दूसरे के साथ, ठीक है, हाँ सारे इसकी उम्मीद हो रही होगा। सो सिंस दे आर ट्रीटेड फेवरेबली कंपेरिजन टू नॉन मेंबर्स, सो इसका मतलब कि जब हम फ्री ट्रेड एरिया में आए और मैंने इस कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ डिसाइड कर लिया कि जब हम आपस में डील करेंगे तो सिर्फ 5% टैरिफ लगाएंगे, बाकियों के साथ डील करेंगे तो हम फ्री हैं, तुम बीच में टांग मत अड़ाना, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, बाकियों के साथ आपकी जो ट्रेड है वो किस रेट पे हो रही थी, पहले हाई रेट पे हो रही थी, अब आप किस पे आ गए, लो रेट पे आ गई, ठीक है। तो ये चीज है कि मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉस्ट टू लोअर कॉस्ट, हम ट्रेड क्रिएशन में हाई कॉस्ट से लो कॉस्ट पे आ जाते हैं। अभी आपको समझ में आ गई बात, हाई कॉस्ट से लो कॉस्ट पे आते हैं ये। अब हम आते हैं, ये तो हुआ ट्रेड क्रिएशन। ट्रेड डाइवर्जन में क्या होता है, डाइवर्जन में ये होता है कि जब एक कंट्री बी कंट्री के साथ ऑलरेडी फतह में है, यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में है, लेकिन अब कभी यार बात क्या है, आपस में हम ट्रीटी बना सकते हैं लेकिन दूसरों के साथ हम किस तरीके से डील करें, नॉन मेंबर के साथ तुम बीच में टांग नहीं अड़ाओगे, ये कंसेप्ट क्लियर था। अब प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे बी को मिल गई सी वाली कंट्री, सी कंट्री कहते यार 2% पे ले, 2%। तो एक्चुअली इनके हिसाब से पहले इनको क्या लगता था, पहले लगता था कि हम हाई कॉस्ट से लो कॉस्ट पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर ये हाई कॉस्ट से लो कॉस्ट पे आ चुके थे, अब बात क्या रही, लो कॉस्ट। प्रॉब्लम क्या हो गया, अब यही वाला जो एफटा है, यानी कि यही वाला फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, ये बन गया हाई, क्यों, अगली कंट्री मुझे 2% पे दे रही है सस्ता, लो पे दे रही है, तो यानी कि अब ये मेरे लिए महंगा हो चुका है, मैं इससे डील नहीं करूंगी, मैं सी वाली कंट्री के साथ डील करूंगी, इसलिए मुझे वहां पे फायदा होगा। तो मेरी ट्रेड जहां क्रिएट हुई थी वहां बिखर गई, यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जन आ गया। क्लियर कंसेप्ट, आज से पहले एक कंसेप्ट क्लियर था तुम्हारा, प्लस होता कहा होगा, बाकी को कहा होगा, बाकी अब समझ लो मैंने करा दिया। सो फ्रेंड प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया इसी तरीके से, वो तो हो गया काम खत्म, वो सिर्फ इसी में आएगा, फ्री ट्रेड एरिया में ही आएगा, दूसरों में नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि बाकियों में अदर कंट्री के साथ भी हमें एक दूसरे के साथ डील करना है, इसी वाले कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। सिर्फ फ्री ट्रेड एरिया ही ऐसा होता है कि हम आपस में ये ट्रीटी कर रहे हैं, बाकियों के साथ आप फ्री हो इस वजह से, लेकिन इसके बाद जो बाकी आ जाते हैं ना उसमें ये बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए आप ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन किसी और में कर ही नहीं सकते। ये हो गया, अब आते हैं फ्रेंड्स प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया फ्री ट्रेड एरिया से भी छोटा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया के अंदर आप सिर्फ टैरिफ कंट्री के अंदर थोड़ा सा रिमूव करते हो, हटाते हो, सिर्फ किसी एक बात पे प्रेफरेंस देते हो, ऐसा नहीं कि सब चीजों पे, ठीक है, और बाकी सब कुछ फ्री रहता है। उसके बाद आता है आपका फ्री ट्रेड एरिया, जिसके अंदर हर टाइप के टैरिफ्स पे आप एक दूसरे के साथ डील करते हो, बाकी सबके लिए, अदर मेंबर के लिए आप डील नहीं करते हो, ठीक है, इसमें हर टाइप के टैरिफ के लिए आप आपस में डील कर लेते हो। तो यहाँ पे जो है ना, ये आसियान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एरिया हुआ था पहले, तो ये फ्री ट्रेड एरिया वाला है, इसके अंदर मेंबर 15 थे, इसके अंदर 10 आसियान मेंबर थे जो कि आसियान में भी है, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया भी है, ऐसा है ये। ऐसे ही लेटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन में ये पहले 12 थे, अभी 13 हुए हैं, इस वजह से वो मैंने आपको सप्लीमेंट में दे दिया है, ठीक है। इसमें कैन इसमें 4 कैन मेंबर्स हैं, मरकोसर के 5 मेंबर हैं, और चिले, कुबा, मैक्सिको। इसको कैसे पढ़ना अगर इसकी पूरी लिस्ट होगी, तो जब मैंने लिखा मरकोसर के 5 मेंबर, तो आगे जब मरकोसर की लिस्ट दी हुई है उसमें से 5 उठा लिए, फिर ये लिस्ट पूरी हो गई। पर इसमें इतना ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आ रहा है वीडियो कि नहीं आ रहा, हेलो आ रहा नहीं है, आपको याद उसका करना है जो मेन है, ठीक है, जिसके अंदर जैसे कि मैं मेन निशान लगवा दूं, मेंबर किसके याद करने हैं। अच्छा पेज नंबर कौन सा, 15 ना,
तो मेंबर जो है वो ज्यादातर आपका पेपर में आता है, सार्क हो गया, नाफ्ता हो गया, ये पेज नंबर 16 वाले इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है। सो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन कस्टमर कस्टम यूनियन, साफ्ता, साफ्ता, ठीक है। सो ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कस्टम यूनियन में कैन, ये देखो यहाँ पे लिखा है फोर कैन मेंबर, तो फोर कैन मेंबर लिखा ना आगे 16 में, वहां से आए वो, अभी बात समझे। इसमें पेज नंबर 16 में जो फोर कैन मेंबर है यहाँ से आए वो इन फोर में से कुछ कैन मेंबर ले लिए। देन यूरोपियन यूनियन कस्टम इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर अब 27 हो गए, पहले 28 थे, ब्रिटिश चला गया बीच में से, ठीक है, वो बुक में सही लिखा हुआ है। देन उसके बाद आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से हैं, फिर ये लास्ट में पेज नंबर 19 में आशियान दिया हुआ है, नाफ्ता दिया हुआ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनकी ट्रिक भी बता रखी है फिर, है ना, पिट्टी पिट्टी। यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया हो गया, ठीक है, सो OECS हो गए। तो यार एक बार एक रीड कर लो बाकियों को, और ये वाले जो मैंने बताया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मर्कोसर भी इस बार ही आ गया था तो इनका कोई भरोसा नहीं होता। हाँ बाकियों का, इनके तो मेंबर भी करने हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, बाकियों का आपने कितना करना है, बाकियों का इतना करना है कम से कम कि नाम क्या है और इनके मेंबर टोटल कितने हैं और ये कैसा वाला एरिया है, ये कस्टम यूनियन में आता है, कस्टम मार्केट मार्केट में आता है, इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी में आता है, पीटीए में आता है, एफटीए में आता है, ये बात सबकी करनी है, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस। हाँ सारी यूनिट्स मैं करवाऊंगी यहाँ पे, और बेस्ट रहेगा आपको समझ में आएगा तब जब आप यहाँ पर मेरे साथ प्री क्लास भी लेंगे और मेरी बुक से भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये एक तरीके से आपका नोट्स है एक जगह पे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने है और मैंने दे दिया है पोल, अब आएंगे मज्जे, आंसर इन पोल, हेडक्वार्टर ऑफ आशियान। हाँ जी, आशियान का हेडक्वार्टर क्या है बेटे? आधे आधे आंसर क्यों दे दिए तुमने, और वो भी गलत, क्या कर रहे हो तुम? थैंक गॉड सही दे दिया। ओके मैंने कहा यार ओपन बुक एग्जामिनेशन में भी इतना गलत। सो यस इट्स आंसर इज इंडोनेशिया, ठीक है। हाँ सो पेज नंबर 19 में ही इसका आंसर भी लिखा हुआ, ऑफ कोर्स क्लियर कर रखा है मैंने। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर हम देखें ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज पोल उनका आएगा जिन्होंने अपने यूट्यूब को अपडेट कर लिया है, तो जिन्होंने अपने यूट्यूब की अपडेशन नहीं करी तो प्लीज वो अपडेट कर लें, आपका पोल आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन रीड करो, तब तक मैं पोल क्रिएट कर रही हूँ। ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज कमिटी टू रिमूव ऑल बैरियर टू फ्री फ्लो ऑफ, गूगल प्ले पे जाके अपडेट कर लो, गुड्स सर्विसेज बिटवीन देमसेल्फ एंड ऑल्सो परस्यू इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल पॉलिसी। एक्सटर्नल पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है, ठीक है। अरे यार मेरा भी नहीं आ रहा था सुबह, लेकिन जिन्होंने अपने यूट्यूब की सेटिंग में जाकर उसको अपडेट किया है ना प्ले स्टोर से, उनका आएगा, अपडेट कर लो, न्यू में आया हुआ है, ठीक है जी। आ गया, अब इतनी जल्दी अपडेट कर लिया तुमने, बड़ी फास्ट हो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। फ्री ट्रेड एरिया इज करेक्ट आंसर, वाय, क्योंकि अभी अभी पढ़ाया था मैंने, पोलैंड भी करना होता है, रुको, वो इसलिए क्योंकि इनका आपस में ट्रीटी है देमसेल्फ, लेकिन इंडिपेंडेंट मतलब फ्री छोड़ दिया, एक्सटर्नल के लिए इन्होंने फ्री छोड़ दिया इस वजह से, ठीक है। चलो मजा आ गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं और पढ़ाई करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आता है करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट जो होता है उसमें हमने इंडिया ने फुल कन्वर्टिबिलिटी कर दी है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में अभी भी हमने फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं करे जी। जो करंट अकाउंट है बाकी तीन कहाँ आएंगे? प्रदीप आपके पास मेरी बुक है शायद, तो देखो बुक के अंदर जैसे पेज नंबर 18 में कस्टम एंड मॉनिटरी यूनियन लिखा है, तो उसके आगे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि कस्टम और मॉनिटरी यूनियन ऐसी, पहली लाइन देखो, ऐसी यूनियन है जो कि ट्रेड ब्लॉक है जिसके अंदर कस्टम यूनियन और करेंसी यूनियन आ जाता है,
यानी कि अब करेंसी भी फ्री हो जाती है, एक एक करके हो जाएगा। लो मैं फटाफट बता दूं, प्रेफरेंशियल समझ में आ गया, किसी एक पॉइंट के लिए प्रेफरेंस देते हैं, ओवरऑल सभी टैरिफ के लिए नहीं। फिर फ्री ट्रेड एरिया समझ में आ गया कि हम टैरिफ ऑल ओवर आपस में रिमूव कर देते हैं लेकिन एक्सटर्नल में नहीं। फिर उसके बाद अपने पास आता है कस्टम यूनियन, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कस्टम यूनियन में FTA वाला रहेगा, उसके बाद और एडिशन क्या हो जाएंगे कि पार्टिसिपेंट कंट्रीज आपस में भी फ्री हो गई, बंद नहीं टैरिफ के हिसाब से, उन्होंने नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए भी फिक्स कर लिया कि उनके साथ भी हम इससे ज्यादा डील में, इससे ज्यादा या इससे कम में डील नहीं करेंगे, उनका भी फिक्स कर लिया हमने। ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया के बाद और उसके बाद अपने पास क्या आता है, कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन ब्लॉक वो होता है जिसके अंदर आप उससे एक पॉइंट और आगे निकल जाते हो। एक मिनट, कॉमन मार्केट रह गया अपना। हाँ, सो कॉमन मार्केट में क्या होता है, उसके अंदर एक स्टेप और जाते चले जाते हैं, फिर उसके बाद एक्सटर्नल वाला भी हो जाता है, फिर लास्ट में मॉनिटरी आता है। लास्ट में मॉनिटरी के अंदर हम पार्टिसिपेंट कॉमन और एक्सटर्नल सभी का कंसिडर कर लेते हैं और साथ में मॉनिटरी लेवल पे भी सेम हो जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसे करके अपना पूरा इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी हो जाता है। चलो अभी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज कि करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो जो करंट अकाउंट है यहाँ पर हम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और क्या क्या मेजर करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में गुड्स आ जाती हैं एंड सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, और उसके साथ प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर भी आ जाते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर का क्या मतलब है, यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब है कि एक तरफा ट्रांसफर, जैसे मैंने किसी को डोनेशन दे दी, किसी को गिफ्ट दे दिया जिसके बदले में हमने कुछ नहीं लिया, या फिर आपको डिविडेंड मिल गया है किसी कंपनी से, वो चीजें। फिर आया था हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में FPI, FII, FDI ये सब कुछ भी आ जाता है। ठीक है, FDI ये सब कुछ भी आ जाता है। तो इसका मतलब कि हम लॉन्ग टर्म में अगर किसी के एसेट खरीद रहे हैं, किसी की लैंड खरीद रहे हैं, NRI के डिपॉजिट हो गए, वो सारी चीजें आ जाती हैं कैपिटल में। तो हमने इंडिया को करंट अकाउंट में फ्री कर दिया है, अपनी जो करेंसी है उसको बिल्कुल फ्री कर दिया है। यस, विजिबल एंड इनविजिबल आ गए, सर्विसेज भी आ जाती है। यस, यहाँ पर इसको मतलब कि इसमें हमने मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से आएगा। बट जो कैपिटल अकाउंट है इसमें हमने फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी नहीं करी इंडिया में, क्योंकि इसमें रिस्क रहेगा। अगर मैं किसी को फुल्ली आजादी दे दूं कि इंडिया में कोई भी आके जमीन खरीद सकता है, ठीक है, परमानेंटली, तो फिर उस वजह से हमारे इंडिया में वैसे ही हम लोगों को कम पड़ रहा है या बहुत इश्यूज हो जाएंगे। एक जैसे ब्रिटिश राज हो गया था इंडिया में, वैसी वाली प्रॉब्लम्स दोबारा आ सकती हैं। तो इस वजह से हमने इसको 100% कन्वर्टिबल अभी नहीं किया है। ठीक है, हाँ, जैसे फॉरेन एक्सचेंज होता तो वो करंट अकाउंट में आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फेरा एंड फेमा। फेरा जो है वो रेगुलेटरी था एंड फेमा जो है वो मैनेजमेंट करने वाला है। ठीक है, फेरा के अंदर जो सजाएं दी जाती थी वो बहुत ही मुश्किल थी। ठीक है, प्लीज टेल हाउ टू डाउनलोड सप्लीमेंट। स्टेप्स बता देती हूँ, बुक के अंदर पेज नंबर 1 में जाओगे आप, इसके पीछे जहां पे इंडेक्स है, इंडेक्स देखा आपने, कंसेप्ट वाला इंडेक्स फॉर कंसेप्ट, उसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है नोट। अगर आप ऑफिशियल एक्ट और एक्स्ट्रा नोट्स ऑप्शनल लेना चाहते हो PDF, तो कुडोज ई लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। कुडोज ई लर्निंग के QR कोड पीछे भी बना हुआ है, इसको भी स्कैन कर सकते हो, नहीं तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है तो kudozeelearning.com वेबसाइट पे जा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें नाम होगा कॉमर्स बुक सप्लीमेंट फॉर एडिशनल PDF, ये नाम है उस ई बुक का। स्क्रॉल करके इस वाले नाम को देखें जिसकी अमाउंट वैसे 900 रुपए रखा हुआ है लेकिन आपने पेमेंट नहीं करना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद उसमें प्रोमो कोड डालना है जो उसके आगे लिखा हुआ है। फिर ऐड पे क्लिक करना, प्रोसीड टू पे करके उसमें पेमेंट के साथ नीचे प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा, जो बुक में दिया हुआ है वो लिखना, फिर आगे बढ़ना तो मिल जाएगा। अगर तब भी आपसे नहीं हो रहा, दिक्कत हो रही है, हाँ, तो फिर आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, वो भी मैंने बुक में अपनी ईमेल आईडी दे रखी है। ठीक है, तो मेरे को बुक की फोटो के साथ ईमेल कर दोगे तो फिर मैं आपको अपनी साइट से दे दूंगी, लेकिन उसके लिए कुडोज ई लर्निंग ऐप में अपना अकाउंट बना के फिर ईमेल करना। खुश, दोनों चीजें बता दी मैंने, अब इधर पढ़ लो चुपचाप। फेरा के अंदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इन दोनों के बारे में क्लियरली नहीं बताया गया था, लेकिन जो फेमा है उसके अंदर अब कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, इसकी बायफर्गेशन करी गई।
फेमा में मेंस रिया नहीं होती, ठीक है, मेंस रिया फेरा में होती थी, यही लिखा है कि जो मेंस रिया है वो एक्सक्लूड कर दी, एक्सक्लूड मतलब हटा दी, मेंस रिया का मतलब मैंने यहां लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी वाली भी सप्लीमेंट से मिल जाएगी, अगर आपने मेरी बुक खरीदी है और सप्लीमेंट डाउनलोड कर लेते हो यहाँ पर जो तरीका बताया उससे, उसमें हिंदी मिल जाएगी साथ में, वो भी अपने आप मिल जाएगी, हाँ जी ई बुक। सो मेंस रिया लीगल फ्रेज है, मेंस रिया में होता क्या है, मेंस रिया का मतलब ये होता है गुड ज्योति, कि कोई भी पर्सन है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिए जाते थे, ठीक है। सो इसलिए वो टॉर्चर किया जाता था, बता तूने काम किया कि नहीं, बता तूने ऐसा किया कि नहीं, तो इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम भी होती थी। तो अब वाले न्यू एक्ट के अंदर मेंस रिया नहीं दिया जाता, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में बस मेंस रिया का मतलब बताया मैंने जी, और यहाँ लिखा है एक्सक्लूडेड है क्योंकि मेंस रिया यहाँ होता था। सो डेफिनेशन बाकी बाकी इतना जरूरी नहीं है, बाकी मैं समझा ही दी आपको, पढ़ लोगे, हाँ जी। फिर उसके आगे आता है, हम मेंटल स्टेट खराब करते थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है वो भी कहाँ कौन से पेज में बता देना बाद में बच्चों को। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रेजोल्यूशन पहले 1948 वाली आई, और ये वाली श्यामा प्रसाद जी जब मिनिस्टर थे तब आई थी। इसके अंदर एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली थी, उस समय पे सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में ही हुआ करता था, ठीक है। ऐसे क्या पेज नंबर देख लो यार, फेमा का पेज नंबर 6 है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पेज नंबर 5 है। अच्छा, सो तब क्या होता था कि मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ स्टेट की होती थी, सिर्फ गवर्नमेंट की होती थी, स्टेट मोनोपोली होती थी कि कहाँ से कोयला कितना निकालना है, आयरन शिप, ये सब मतलब गवर्नमेंट के हाथ में था सब कुछ, बहुत ज्यादा कंट्रोल था, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर उसके बाद होता था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 30 अप्रैल 1956 में, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या हुआ कि हमारे इंडिया के जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, इनको कुछ भागों में बांट दिया, यहाँ पर स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी में बांटा। स्केड्यूल ए में वो वाली इंडस्ट्रीज आ रही थी जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास थी, स्केड्यूल बी में पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों वाली आ रही थी, स्केड्यूल सी में ओनली प्राइवेट आ रही थी जो लोगों को छोड़ दिया था, ठीक है। और सो ये सब चीजें, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ऐसे करके हमारी इकोनॉमी को बांटा गया था। फिर उसके बाद फिर पॉलिसी आई 77 वाली, तो 77 वाली में ज्यादातर डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हो गया, पहले सब कुछ पकड़ के रख रही थी गवर्नमेंट, फिर धीरे धीरे खोला, फिर डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि अब प्रायोरिटी देने शुरू कर दी छोटी इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, टाइनी यूनिट्स को, न्यू यूनिट्स खोलने की कोशिश करी गई। फिर मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर भी थोड़ा बहुत इम्पोज किया रिस्ट्रिक्शंस, उन पर लगाम लगाई, रिस्ट्रिक्शंस लगाई, और डायरेक्ट इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया, एनकरेज किया गया कि वर्कर का पार्टिसिपेशन, ये पेपर में प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है कि कौन से वाले ईयर में हुई थी, तो इस वाले में हुई थी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं यार, इंडस्ट्री डेवलपमेंट फिर 1951 वाला, एक्चुअली ना ये सीधा सीधा बुक में मिलेगा आपको, यहाँ तो मैंने बुक से फोटो लिया है तो आगे पीछे हो रहा है, बुक में सारा सीधा सीधा है, बुक में जैसे 48 के नीचे आपका 51 है, फिर उस 41 के नीचे 51, फिर 56, फिर 73, फिर 77, फिर 80, ऐसा उसमें सही है पूरा सिक्वेंस, जल्दी हो जाएगा। यहाँ मैंने फिर वहीं से लिया तो आगे पीछे हो रहा है। सो 51 वाले में क्या था, प्रोटेक्शन थी बहुत, ठीक है, प्रिवेंटिव प्रोविजन लगाए गए थे और बचाने की कोशिश की जा रही थी, यस ये था। और ऊपर हमने पढ़ लिया पिछले वाले उसमें 56 के बाद 73 आ रहा है, 73 के अंदर फॉरेन एक्सचेंज फेरा को बदल के फेमा कर दिया गया, ये बड़ा प्रोविजन था। फिर हमने 77 पढ़ लिया टाइनी यूनिट्स वाला, फिर उसके बाद 80 आ रहा है प्रमोट करने कंसेप्ट इकोनॉमिक फेडरेशन का, MRTP एक्ट को रीअफर्म किया गया कि भी मोनोपोली वाला जो एक्ट है इसकी तरफ ध्यान ज्यादा देना शुरू कर दिया। और उसके बाद फेरा, इसका मेन एम था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को फ्री कर दिया जाए, फ्री करने की कोशिश की गई जी। उसके बाद 1991 वाली LPG, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, LPG वाली जो है इसके अंदर 5 करोड़ एरिया जैसे कि आम, एटॉमिक, मिनरल ऑयल्स, सो इस तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू रखे गए, 5 कोर आएगा, सॉरी करोड़ बोल दिया मैंने, कोर है कोर। अब पहले अगर आप देख रहे थे तो इंडिया में 1956 वाली पॉलिसी में 17 कोर एरिया इंडिया के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास थे, फिर 5 रखे गए, ठीक है, 5
वही यही वाले 5 और अब कुल मिला के सिर्फ 2 बचे हैं हमारे गवर्नमेंट के हाथ में, बाकी सब छूट दे दी हुई है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ कमिटीज के नाम इंपॉर्टेंट है। MRTP एक्ट को अब क्या करा, MRTP एक्ट की जगह पे फिर आगे जाके कॉम्पिटिशन एक्ट को साथ रिप्लेस करने की बात करी गई, फिर रिप्लेस हुआ भी, फिर लिबरलाइजेशन करी गई। और IMF की वजह से हमें पैसों की जरूरत थी तब, ठीक है, तो हमारे इंडिया को पैसों की जरूरत थी, उसकी वजह से हमने IMF से वर्ल्ड बैंक से गुहार लगाई, भाई हमें अमाउंट चाहिए। देन उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें पहले अपने आप को LPG करना पड़ेगा, अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, तब हम पैसे देंगे। फिर इस वजह से हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उस क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट पे हम लोग आए थे, ठीक है, फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें मिल गई थी। तो फ्रेंड्स अभी अपन ने कर लिया है बिजनेस इन्वायरमेंट कम्प्लीट, ठीक है, एंड थोड़ा बहुत हिस्सा मैंने वो भी करा दिया, इंटरनेशनल बिजनेस का भी करा दिया, ठीक है। सो इसके अलावा अगर आप फ्री लर्नर्स हैं तो इस तरीके से पढ़ाई करें, एंड अगर आप प्लस लर्नर हैं तो इस तरीके से पढ़ाई करें। मैं ये वाली जो वीडियो है इसकी प्लेलिस्ट बना रही हूँ, इसकी प्लेलिस्ट महा एपिसोड वाले में ही डाल रही हूँ, तो उसमें जो सबसे लेटेस्ट होंगी वो ऊपर आ जाएंगी, यानी कि ये वाली सबसे ऊपर आ जाएगी अब, ठीक है। तो महा एपिसोड वाले में से ही देख लेना, क्योंकि उसका लिंक बुक में भी दिया हुआ, तो वहीं से आप इजिली स्कैन करके भी देख पाओगे प्लेलिस्ट में। तो रोज होगी क्लास 8 बजे, तो 8 बजे क्लास ले लिया करो, और पेपर 1 की इस बुक से आपका 100% बेस्ट प्रिपरेशन करो, एंड ऑल्सो पेपर 2 कॉमर्स की भी, इसके अंदर सारे कंसेप्ट भी दिए हुए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दिए 2012 से 2020 तक के। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे 2019, 18, 17 ऐसे करके 2012 तक, और बिल्कुल लास्ट में मैंने 2020 तक के 20 वाले ऑल शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए, और बीच में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें लिखा ही हुआ है मैंने, ये अपने आप ही भूल जाता है यार रोज रोज। अच्छा सो उसमें मैंने लिखा ही हुआ है कि कौन से एक्सपेक्टेड है कौन से नहीं, सेक्शन वाइज उसके आंसर की देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम है 6 अक्टूबर से, हाँ ये वाला ऑप्शन है ना, आपको अगर अमेजोन पे ऑप्शन नहीं दिख रहा बाय वाला तो इस पे क्लिक करना, सी ऑल बाइंग ऑप्शन यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी आपको। ये कंसेप्ट है जो कह रहे हो सप्लीमेंट कैसे मिलेगी, इस कंसेप्ट के नीचे ही सप्लीमेंट का लिंक दे रखा है बुक में पहले पेज नंबर पे। सो ये हमारे क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी का एक ही बुक में, या तो हमें एक बुक में कंसेप्ट भी मिल गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ मिल गया है, और अच्छे से पढ़ाई करो जी। कल अकाउंट होएगी नो, अभी इंटरनेशनल बिजनेस होएगा कल, ठीक है, तो कल हम इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर देना पहले ही, ताकि मैं वो वाले टॉपिक जरूर ले आऊं कि मैम ये वाला टॉपिक जरूर ले आना कल। सो बाकी मैं अपने हिसाब से तो ले ही आऊंगी, ठीक है। आज हमने बिजनेस इन्वायरमेंट किया है, सो टेलीग्राम में नव क्लासेस सर्च करके फॉलो करके रखिए, बिकॉज उसमें आपको डेली क्विजेस मिलते हैं और लिंक भी देती हूँ जब भी मैं लाइव आती हूँ, एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही मिल जाते हैं मेरी स्लाइड्स वहाँ पर भी, ठीक है। सो अपने आपको प्रूव करके दिखाना है, ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव। और फ्रेंड्स एक फेवर और चाहिए, वो ये कि आप तो इतने से हो और आपके पूरी पूरी क्लास में कितने सारे बच्चे होंगे, तो प्लीज आप सभी बच्चों को बोलो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रोज क्लास हो रही है, तो क्लास आके देखा करें, ठीक है, एंड आप उनको बुक भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मिल रहा है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी उस चीज को शेयर करते हैं, देन डेफिनेटली यू विल ऑल्सो गेट इट, ठीक है, इन रिटर्न, क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हैं तो यू शुड हेल्प ईच अदर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम। बेटा कमेंट में करना, यहाँ पे कैसे दिखूंगी मैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर JRF। थैंक यू। पेज नंबर और वो क्वेश्चन नंबर जो भी है तो देख लेना।